मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने दारुल उलूम देवबंद के फरमान पर प्रतिक्रिया दी है। राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि प्रदेश में शिक्षा नीति सभी के लिए समान हो और मुस्लिम बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह सभी तरह की शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि वह सभी बच्चों को समान समझती हैं। ऐसे में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी किया गया फरमान नहीं चलेगा। राज्य मंत्री ने कहा कि वह चाहती है कि हमारे देश प्रदेश के बच्चे ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, सिर्फ मजहब तक शिक्षा सीमित रहे, ऐसी उनकी मंशा नहीं है। इसलिए वह चाहती है कि मुस्लिम बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक और नेता बने और वह किसी सीमित दायरे में ना रहे। जब उनका मानसिक विकास होगा तो वह देश के बारे में अच्छा सोचेंगे। शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल बेमिसाल होने के कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव सर्व समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है। यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में वह सरकार के विकास कार्यों के नाम पर जनता के बीच जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन के 9 साल बेमिसाल पूर्ण हुए हैं, उन्हीं के संबंध में एक माह का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज लाभार्थियों का कार्यक्रम था, उनसे वार्ता हुई और उस संबंध में ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये दारुल उलूम देवबंद फरमान जारी किया है कि अगर बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे या शिक्षा पढ़ेंगे तो उन्हें दीनी मदरसे से डाल दिया जाएगा, इस पर आपसे क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी संकुचित विचारधारा को लेकर नहीं चलती है, उसका व्यापक दृष्टिकोण है और वो सभी बच्चों को समान समझती है। वो चाहती है कि चाहे वो हिंदू के बच्चे हों, चाहे मुस्लिम के बच्चे हों, सिख हों या ईसाई बच्चे हों, बच्चे बच्चे हैं और सभी बच्चों के लिए इस समाज का विकास करने के लिए डॉक्टर बनना भी जरूरी है, इंजीनियर बनना भी जरूरी है, वकील बनना भी जरूरी है, शिक्षक बनना भी जरूरी है और नेता बनना भी जरूरी है। तो इसलिए उनका व्यापक दृष्टिकोण है और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर सभी विद्यालयों में एक सही पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। जाना चाहती, मैंने तो अपनी बात बताई है कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक है। 2024 हम विकास के मुद्दे को लेके चल रहे हैं और हमारी तैयारी वोटों की नहीं होती है, हमारी तैयारी विकास की होती है और विकास को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं।